लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए गैर कांग्रेसी राजनीतिक दलों में थर्ड फ्रंट बनाने की चर्चा तेज है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थर्ड फ्रंट की संभावनाओं को तलाशने के लिए दिल्ली में हैं। मंगलवार को इस सिलसिले में उन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल में कई दलों के नेताओं से मुलाकात की। ममता ने शिवसेना के नेता संजय राउत, एनसीपी चीफ शरद पवार, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव, बीजेडी सांसद पिनाकी मिश्रा, डीएमके नेता कनिमोझी, टीडीपी के नेता वाईएस चौधरी और राममोहन नायडू के अलावा मीसा भारती और जेपी यादव से मुलाकात की। इस दौरान ममता ने कनिमोझी से कहा कि डीएमके सत्ता में आ रही है और इसके लिए मेरा पूरा समर्थन है। एनसीपी चीफ पवार के साथ ममता बनर्जी की मुलाकात करीब एक घंटे तक चली। ममता बनर्जी जेडीयू के पूर्व संयोजक शरद यादव और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगी। हालांकि सोनिया गांधी से मुलाकात को लेकर उन्होंने तस्वीर साफ नहीं की है। वहीं बता दें कि फिलहाल माना जा रहा है कि ये गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस फ्रंट होगा, ऐसे में कांग्रेस के इसमें शामिल होने की उम्मीद नहीं है।